हेलो फ्रेंड्स, आप सबको ज्योति जैन का सुबह का जय जिनेन। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये घिया की सब्ज़ी बनाई है। सब्ज़ी में कलर इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इसमें लाल मिर्ची नहीं ऐड करी फ्रेंड्स। सिंपल बनाई है बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है तबीयत मेरी ठीक है नहीं, तो मिर्च वगैरह खाने की इच्छा नहीं है। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा नमक की सब्ज़ी वगैरह ही बनाऊँगी। इनके लिए देखिए अलग से तड़का बना लिया है, जिसको ज़रूरत है वो ऊपर से मिर्ची डाल सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इधर घिया की सब्ज़ी बना ली है, उधर बस फुलके सेकूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आज का दिन आपका बहुत बहुत शुभ जाए। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, बस थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही है इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर पा रही। देखती हूँ कौन क्या क्या कर रहा है, पूछ लेती हूँ। अगर खाएंगे अभी तो अभी बना दूँगी। तो इधर आई थी फ्रेंड्स, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश आएगी। दिव्या अभी मना कर रही है और मुझे पता है अर्पित नहीं खाएगा ये सब बिल्कुल, तो उसके लिए मुझे बस ये ब्रेड वगैरह यही सब खा सकते हैं, अलग से तो मैं कोई सब्ज़ी बनाऊँगी नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अर्पित भी आ गया था तो उसको चाय और दो ब्रेड सेक दिए थे। थोड़ी मीठी ब्रेड भी रखी थी पहले की, वो लाया था तो उसको मीठी ब्रेड भी, वो कह रहा था मम्मी ये वो वाली भी मुझे सेक देना घी में, तो उसको वो भी सेक दूंगी। उसके लिए तो फ्रेंड्स मैंने कई बार देखा है, अगर उसके लिए अलग से सब्ज़ी भी बनाती हूँ तब भी वो सब्ज़ी नहीं खाता। तो मैंने सोच लिया अब जो भी बनाऊँगी अपनी मन से ही बनाऊँगी, ज़रूरी नहीं स्पेशली उसके लिए अलग से बनाऊँगी, चाहे खाओ चाहे मत खाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, अर्पित के लिए भी मैंने ये ब्रेड वगैरह सेक दी है और हम लोगों ने सबने घिया की सब्जी और फुलका खा लिया। शाम को मैंने सोचा है मूंग की दाल और राइस बनाऊंगी, जो कि इन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं है और हम सब खा लेते हैं, मतलब कन्नी और अर्पित को नहीं है पसंद। तो चलिए फ्रेंड्स, शाम के बज रहे हैं इस टाइम 4:30 और मैं किचन में आ गई थी क्योंकि सुबह मैंने 12 बजे 2 फुलके खाए थे घिया की सब्ज़ी के साथ और मुझे भूख लग रही है। तो एक साइड मैंने राइस उबाली है, एक साइड दाल, बस तड़का लगाती हूँ फिर खाती हूँ। मुझे भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको ज्योति जैन का जय जिने। चलिए फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 4:15 बज रहा है और ब्लॉग मैंने सुबह से बनाना शुरू कर दिया था। तबीयत थोड़ी पहले से मेरी सही है, अभी पूरी तरह सही नहीं है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, वो भी हो जाएगी धीरे धीरे सही हो जाएगी। और फ्रेंड, मौसम ऐसे ही हो रहा है आज कुछ ज़्यादा। सुबह मैंने घिया की सब्ज़ी बनाई थी, आपको पता है बड़े बेटे को पसंद नहीं आई, उसके लिए ब्रेड वगैरह बनाई थी। फिलहाल मैं मूंग की दाल और राइस बना रही हूँ फ्रेंड्स। मुंह कड़वा हो रहा है मेरा और बादल हो गए हैं पूरी तरीके से, बारिश आने वाली है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। जब बारिश आएगी मैं आपको दिखाऊंगी मेरा हाल, देख रहे हो आप कैसा हो रहा है। बस तबीयत खराब हो रही है मेरी कुछ इच्छा नहीं है मेरी कुछ भी करने को, जैसी हूँ पीछे कैमरे के वैसी आपके सामने आ गई। और फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे रहने चाहिए, बहुत अच्छे रहने चाहिए। आप अच्छे रहो तो तभी तो मुझे देखोगे आप लोग। खाऊंगी, मुंह कड़वा हो रहा है, मेरी इच्छा हो रही है खाना खाने की, कुछ नमकीन सा खाने की। सुबह भी मैंने अपने लिए नमक की घी ही खाई थी, इन लोगों के लिए तड़का अलग बना के रख दिया था और अभी मैं ऐसी करूँगी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज। और फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? छत पे आई हूँ, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, नीचे बहुत गर्मी लग रही थी लेकिन छत पे आके बहुत अच्छा लग रहा है मौसम नीचे से तो अच्छा ही है, ऐसा लग रहा है बारिश आएगी। अब पता नहीं बारिश आएगी नहीं आएगी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश आ जाए तो अच्छा ही है। फिलहाल मैं तो दाल राइस खा के आई हूँ, सब अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। सामने बच्चे खेल रहे हैं, उधर बड़े खेल रहे हैं और उधर छत पे कुछ लेडीज से मिलकर खेल रही हैं, अच्छा लगता है, ऐसे थोड़ी रौनक हो जाती है। लेकिन हमारे इधर कोई आता नहीं है ज़्यादा, यहाँ कोई खेलता नहीं है। दीदी अभी ऊपर आई नहीं है, थोड़ी देर बाद आएगी, पाठ कर रही थी फिर उससे खाना खाना था, कह रही थी मम्मी खाना खा के ही आऊँगी, मैं खाना खा के ही आई हूँ। फिलहाल मौसम अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स, बस 2 दिन पहले ऐसी तबीयत ख़राब हुई, थोड़ा मतलब अभी भी वीकनेस है,
सुबह मन किया कि गया कि सब्जी और फुल्का खाऊं, तो वही मैंने बनाया। शाम को मैंने मूंग की दाल और राइस बनाए। हालांकि ये खाता नहीं है बड़े वाला लड़का, पर इसके लिए कुछ भी बनाऊं मैं अपनी इसकी पसंद से, वो भी नहीं खाता। मैंने सोचा चल छोड़, बहुत बना लिया इन लोगों की पसंद से, अब मैं अपनी पसंद से ही बनाऊंगी जो कुछ भी बनाऊंगी। इनके पीछे मैं अपनी पसंद भूल गई हूँ सब कुछ खाना। चलिए फ्रेंड्स, बात करती हूँ आपसे। तूने क्या बनाया आज भैया? बता तो सही, बनाने तो तू बेसन का दूध गया था। हलवा क्या था मैं बनाने यार? नहीं, तू कह रहा था मम्मी बेसन का दूध। तो मैं बोल के गया था कि तुम कुछ बोलो ना, वरना तुम आ जाती रसोई। कल से मत जाना रसोई के अंदर, और जितनी बार जाओगे तब पिटोगे मेरे से। तुम बना दिया तो हलवा रोज बना के खिलाऊं तुझे। मुझे ना ले।